नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बीते दिनों बिहार नगर निकाय चुनाव का मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार की याचिका को सुनने के लिए हामी भरी थी। बिहार सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था, जहां बिहार सरकार द्वारा एक नए नियम बनाए गए हैं जिसके तहत नामांकन का पर्चा फिर से भरा जाएगा, चुनाव चिन्ह फिर से आवंकित किए जाएंगे। साथ ही बिहार सरकार ने भी कहा कि पहले से जो भी कार्य हुआ है अब वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। पटना के उच्च न्यायालय ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण को अवैध बताया था, जिसके बाद न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग का ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करके दिए जाने का आदेश दिया था, जिसको नजर में रखते हुए आज से बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर अनंत पिछड़े वर्ग का सैंपल सर्वे करवाया जाएगा, जिसके अंतराल 50 घरों का सैंपल तृतीय स्तरीय बिंदु के आधार पर लिया जाएगा। इसके साथ ही 6 पन्नों के फॉर्मेट को देखते हुए एक नई टीम को इसकी जानकारी जमा करने में लगा दी गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया को नए तरीके से करने के लिए एक नए टीम को गठित किया गया था। और आज से सरकार द्वारा गठित टीम शहर के चुने वार्डों में सैंपल सर्वे का कार्य कर रही है। इसी के साथ टीम द्वारा 5 अलग अलग वार्डों में सर्वे का काम संपादित तरीके से करने के लिए तैयार किया गया है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि चयनित संस्थान के अधिकारियों के साथ नगर परिषद को समाजस्य से बैठा कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ में प्रत्येक वार्ड में 50 घरों को त्रिस्तरीय बिंदु के आधार पर सैंपल इकट्ठा किया जाएगा। इसके लिए 6 पन्नों के फॉर्मेट के साथ नई टीम द्वारा जानकारी जुटाई जाएगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की वर्तमान स्थिति व इसके त्रिस्तरीय मानक की जांच के लिए नगर परिषद ने किशनगंज के 34 में से 5 वार्डों को चुना है। इसमें वार्ड संख्या 7, 8, 11, 21 और 23 में चयनित टीम के अधिकारी व प्रज्ञक के देखरेख में सर्वे को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए 6 पन्नों में लोगों से जानकारी भी ली जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।